नमस्कार, लाइव सिटीज के एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। देवों के देव महादेव की साधना और पूजा हमेशा शुभ फलदायी है, लेकिन सावन में इनकी पूजा शीघ्र फलदायी मानी गई है। शिव पुराण में बताया गया है कि इस महीने भगवान शिव अपने भक्तों पर जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। सच्ची मन से पूजा करने पर महादेव हर मनोकामना पूरी करते हैं। शिव पुराण की रुद्र संहिता में बताया गया है कि मनोकामना के अनुसार सावन में भगवान शिव की अलग अलग फूलों से पूजा करनी चाहिए। भगवान शिव अपने भक्तों पर जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। जटाधारी शिव शंकर को प्रसन्न करने में किसी भी मनुष्य को कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता है। तो आइए जानते हैं भगवान शिव की पूजा में कौन से पुष्प अर्पित करने से मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। शिव पुराण में बताया गया है कि 1 लाख दोपहरिया के फूल, जिसे बंधुक नाम से भी जाना जाता है, इससे शिव की पूजा करने से धन और आभूषणों की प्राप्ति होती है। इस फूल के चढ़ाने से भगवान जल प्रसन्न होते हैं। सावन में समी के फूल भगवान शिव को अति प्रिय होते हैं। 1 लाख समी के फूलों से पूजा करने पर व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। पुत्र प्राप्ति के लिए धतूरे का लाल फूल वाला धतूरा शिव को चढ़ाएं। यह न मिलने पर सामान्य धतूरा ही चढ़ाएं। मानसिक तनाव दूर करने के लिए शिव को शेफालिका के फूल चढ़ाएं। जूही के फूल को अर्पित करने से अपार अन्न धन की कमी नहीं होती। अगस्त्य के फूल से शिव पूजा करने पर पद सम्मान मिलता है। शिव पूजा में कनेर के फूलों के अर्पण से वस्त्र आभूषण की इच्छा पूरी होती है। लंबी आयु के लिए दुर्वाओं से शिव पूजन करें। सुख शांति और मोक्ष के लिए महादेव की सफेद कमल के फूलों से पूजा करें। शिव की पूजा में गेहूं से बने व्यंजन चढ़ाने पर कुटुंब की वृद्धि होती है। मूंग से शिव पूजा करने पर हर सुख और ऐश्वर्य मिलता है। चने की दाल अर्पित करने पर श्रेष्ठ जीवन साथी मिलता है। कच्चे चावल अर्पित करने पर कलह से मुक्ति और शांति मिलती है। तिलों से शिव जी पूजा और हवन में 1 लाख आहुतियां करने से हर पाप का अंत हो जाता है। उड़द चढ़ाने से ग्रह दोष और खास तौर पर शनि पीड़ा शांति होती है।